टाइप्स ऑफ कंपनसेशन बेस एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। टाइप्स ऑफ कंपनसेशन मतलब हमने जो एम्प्लॉयज को हम जितना भी कंपनसेट करते हैं उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। पहले ये होता था कि जो एम्प्लॉई एक कंपनी में जॉब कर रहा है उसको एक लमसम सैलरी मिल जाती थी, उससे 10,000 मिल गई, 5,000 मिल गई। लेकिन अब उस सैलरी को स्ट्रक्चर्ड कर दिया गया है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस है तो वो मेट्रो सिटी में अलग मिलता है, छोटी सिटीज़ में, टू टीयर सिटीज़ में अलग मिलता है। उसके अलावा एक्सपेंसेस जो कन्वेंस वगैरह के रहते हैं उसमें वेरिएशन आता है, तो सबको हम एक जैसे उसमें नहीं तोल सकते, इसलिए सैलरी को या कंपनसेट जो किया जाता है एम्प्लॉय को उसको कैटेगरीज में बांट दिया है। तो सबसे पहले इसमें डायरेक्ट बेस हम देख रहे हैं, डायरेक्ट या बेस कंपनसेशन बोलते हैं। इसमें आती है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी वो अमाउंट होता है जो जनरली जो वो वर्क कर रहा है, मतलब अदर देन इंसेंटिव, अदर देन हाउस रेंट अलाउंस, अदर देन एक्सपेंसेस ऑफ ट्रैवलिंग, TA DA, उसके अलावा जो आपकी बेसिक सैलरी रहती है उसको बेसिक सैलरी की कैटेगरी में रखा जाता है, जो वो एक एम्प्लॉय को रिसीव हो रही है उसके सर्विसेज के बदले में। सेकंड इज हाउस रेंट अलाउंस। ऑर्गेनाइजेशन आइदर प्रोवाइड अकोमोडेशन टू इट्स एम्प्लॉयज। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ग्रेसिम का एग्जाम्पल दिया था, नागदा में जो बिरला ग्रुप की है, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टाफ के लिए क्वार्टर्स बना रखे हैं, 2 मंजिल 1 मंजिल, तो वहाँ पर उनके स्टाफ रहते हैं एंड दे हैव अ वेरी नाइस सोसाइटी, तो वहाँ पर वो एम्प्लॉयज़ रहते हैं। तो उसके लिए उन लोगों को फिर हाउस रेंट अलाउंस नहीं देते हैं, लेकिन जिन एम्प्लॉयज़ को कंपनी नहीं प्रोवाइड करा पाती है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी होता है कि क्वार्टर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, और उसका, और अब तो ऐसा हो गया बहुत मिनिमम उसका रेंट आपको देना होता है। स्टिल रिमेंबर मेरे फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, तो हम लोग जिस मकान में रहते थे इट वाज अ 5 रूम्स हाउस और उसका 75 रुपये किराया था। तो अभी आई हैड अ कन्वर्सेशन विद, अभी जो उस कॉलोनी में रह रहे हैं, अब तो हम लोग छोड़ चुके हैं काफ़ी साल पहले, तो हमने उनसे पूछा था कि आप लोग कितना किराया देते हो, दे सेड 225 रुपीज़, और वो अच्छे खासा 5 रूम का घर है और आसपास गार्डन है, क्वार्टर्स कितने ओपन होते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ कंपनीज और गवर्नमेंट देती है उनके एम्प्लॉयज़ को। अगेन अब यहाँ वेरिएशन आएगा, अगर कोई मेट्रो सिटी में है तो उसका हाउस रेंट अलाउंस अलग रहता है और छोटी सिटीज़ का अलग रहता है। देन कन्वेंस वगैरह, कन्वेंस फीस वगैरह होती है। आप कहीं अगर ट्रेवल करते हैं लाइक कंपनी में जा रहे हैं तो आपका ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस होते हैं। अब कुछ कंपनीज पेट्रोल के हिसाब से पे करती है और कुछ एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेती है कि इतने किलोमीटर का इतना पे किया जाएगा। जैसे बहुत सी कंपनीज में आज जो अभी करंट में रेट चल रहा है, अगर आप 2-व्हीलर से आ रहे हो तो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको पे करती है। अगर आपका घर 10 किलोमीटर है तो 5 × 10 है ना, तो 50 रुपीज़ ईच साइड तो आपको पे करेगी। और अगर आप 4-व्हीलर से आ रहे हो तो एक स्टैंडर्ड रेट 12 रुपीज़ डिसाइड कर रखा है, तो वो आपको कंपनी पे करती है। जैसे इसमें लिखा है प्रोवाइड व्हीकल्स। अच्छा, बहुत सी कंपनी तो आजकल कैब फैसिलिटीज़ भी हैं। आप मेट्रो सिटीज़ में देखोगे, जैसे दिल्ली में तो जितने कॉल सेंटर्स चल रहे हैं BPOs वगैरह, सो दे हैव देयर ऑन कैब, तो वह कैब से फैसिलिटी रहती है, आना जाना, लाना ले जाना सब उनका हेडेक रहता है, तो आपको कन्वेंस फैसिलिटी मिलती है, अदरवाइज आपको पेट्रोल अलाउंस वगैरह दे दिया जाता है। Then leave travel allowances. These allowances are provided to retain the best talent in the organization. The employees are given allowances to visit any place they wish with their families. Summer vacations हैं, कोई employee अपनी family के साथ Goa trip पर जाना चाह रहा है तो फिर उसका जो travelling का खर्चा रहता है company provide करा देती है। हाँ, जैसे Standard Chartered Bank के, उसके generally अपने यहाँ पर बहुत सी जगह से rest rooms बने हुए हैं। हम लोग गए थे एक बार बॉम्बे में, एक मेरे रिलेटिव हैं उनका स्टैंडर्ड चार्टर्ड में इज़ वर्किंग इन दिल्ली, उनके बाद बिल्कुल रोहित जैसी। तो उन लोगों की वहाँ पर बॉम्बे में जो सी लिंक है उसके पास में ही उनका बहुत बड़ा एरिया रेंटेड, उनने स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने ले रखा है। तो जब भी वो एम्प्लॉई अपनी फैमिली के साथ उधर ट्रेवल कर रहा है, नॉट ऑफिशियली ओनली, अगर एक ऐसे ही फैमिली के साथ भी विजिट पे है, तो वो वहाँ पर स्टे करने की फैसिलिटीज़ देते हैं, लंच प्रोवाइड कराते हैं, टी ब्रेकफास्ट सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, एंड दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह से अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए, मतलब एम्प्लॉयज़ खुश होते हैं कि हम वैकेशन पे जा रहे हैं ना तो भी कंपनी पे कर रही है,
तो अदर देन सैलरी हम ये भी अचीव कर रहे हैं, कंपनी से रिसीव कर रहे हैं। देन मेडिकल रिम्बर्समेंट, कोई एम्प्लॉय अगर जैसे मेडिक्लेम करा लेती है कंपनी और अगर कोई एम्प्लॉय बीमार होता है तो कंपनी उसका खर्चा करती है, जैसे आर्मी के मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनकी पूरी फैमिली को वहाँ ट्रीटमेंट मिलता है। अरविंदो है इंदौर में, वहाँ जितना स्टाफ काम करता है तो उनको और उनकी फैमिली को फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। फैमिली को तो थोड़ा बहुत कुछ वो करते हैं कंपनसेट, लेकिन उन उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, वो भले घर पे बीमार पड़ गया है या स्टेयर से गिर गया है, लेकिन स्टिल कंपनी उसको कंपनसेट करती है, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ पे करती है, मतलब मेडिकल के बदले में बिल दे देती है। देन बोनस, बोनसेस पेड टू द एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन्स, जैसे जनरली हमारे इंडिया में दिवाली के वक्त मिलता है बोनस, एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। बोनस क्या होता है, कंपनी अपने पॉकेट से नहीं निकालती है, आपने जो साल भर परफॉर्म करा हुआ है उसके जो प्रॉफिट होता है, जो कंपनी अर्न करती है वही प्रॉफिट वो कंपनी अपने पास रखती रहती है, और ये इट इज़ मैंडेटरी ऑल्सो, है ना, तो कंपनी आसान नहीं करती, वो आपको देना ही पड़ता है कंपनी को। जैसे कंपनी ने 1 करोड़ प्रॉफिट कमाया था, अब 10 इम्प्लॉयज़ हैं जिनकी मेहनत थी उसके पीछे, तो कुछ पार्ट कंपनी रख लेगी और कुछ आप लोगों को दे देगी, उसको हम बोनस बोलते हैं। जनरली दिवाली और बहुत सी जगह तो आजकल ये फाइनेंशियल ईयर में दिया जाता है, अप्रैल मई के मंथ में, मार्च अप्रैल में। देन स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस सच एज ओवर टाइम, मोबाइल अलाउंस भी देती है। ओवर टाइम मतलब आपने 2 घंटे ज़्यादा काम करा तो उसके लिए कंपनी आपको या तो कंपनसेट कर देगी, किसी दिन आप 2 आवर्स लेट आ जाओ, या कुछ कंपनीज उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे कर देगी। एंड इट इज़ अगेन अ मैंडेटरी कि अगर एक लेबर ने एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, तो उसका उसको पे मिलेगा, नॉट ओनली द लेबर्स एनी एम्प्लॉयज। मोबाइल अलाउंस मिलता है, जो जनरली मोबाइल वगैरह में जो आपका खर्चा हो रहा है, जैसे 300-400 रुपए का आप रिचार्ज कराते हो, आजकल तो 700-800 का रहता है, तो वो कुछ 84 डेज का रहता है, तो आपका जैसे ही वो कम्प्लीट हो जाए 84 डेज, आप उसको रिचार्ज करा लो और बिल कंपनी को दे दो, तो वो उस चीज़ को पे कर देते हैं। मील्स का खर्चा, आपके खाने वाने का, कुछ कंपनीज तो ब्रेकफास्ट कराती हैं, जैसे दिल्ली में ज़्यादातर जो BPOs हैं वो रात का डिनर एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि उनके जो BPOs रहते हैं जनरली नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो उनको वहाँ पर डिनर प्रोवाइड करा देते हैं, तो उनको ऐसा हेडेक नहीं रहता है कि खाना बना कर कैसे क्या ले जाएंगे या कहाँ खाएंगे। आप 8 बजे ऑफिस आ रहे हो एंड यू टेक डिनर एट 9 यूजली, तो फिर आपको वहाँ दिक्कत नहीं आती है, तो मील्स का भी प्रोवाइड करा देते हैं। इवन आप ट्रैवलिंग पे भी कहीं जा रहे हो, सो यू जस्ट कीप अप बिल्स, और वो बिल्स आपको एनकैश कर देते हैं बाद में। कमीशंस ब्रोकरेज वगैरह कंपनी देती है, आपने कुछ कंपनी के लिए अच्छे डील कराई तो अदर देन योर सैलरी, जो एक इंसेंटिव की तरह रहता है, तो वो आपको कमीशन भी कंपनी प्रोवाइड करती है, और जनरली ये परसेंट में होता है, आधा परसेंट दे दिया। करोड़ की डील है तो आधा परसेंट भी बहुत मैटर करता है ना, इट कम्स इन लैक्स। ट्रेवल एक्सपेंसेस, आप एक जगह से दूसरे सिटी में जा रहे हो फॉर द ऑफिशियल पर्पस, तो वो खर्चा भी कंपनी आपको दे देती है, अगेन आप यू नीड टू जनरेट द बिल्स। देन रिड्यूस्ड इंटरेस्ट लोन्स, जैसे SBI में होता है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ होता है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और अगर आप वहाँ की लास्ट मंथ की सैलरीज वगैरह प्रोवाइड, वो जो सैलरी स्लिप होती है वो प्रोवाइड करा देते हो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको जो इंटरेस्ट और लोगों को देना पड़ रहा है वो आपको नहीं देना पड़ता है। सपोज़ अदर्स हैं वो 12% पे कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट, तो आपको सिर्फ 10% करना पड़ेगा। जैसे SBI जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका 1% के करीब कम कर देते हैं, और कुछ कुछ बैंक्स के लिए तो और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, मतलब अगर आप उसी बैंक में जॉब कर रहे हो तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है, तो ऐसा कंपनीज भी करती हैं। जैसे श्रीराम फाइनेंस कंपनी, आप लोगों ने सुना होगा नाम, है ना, तो वो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर लोन लेना होता है तो एक तो बहुत जल्दी मिल जाता है लोन, और बहुत कम रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट पर भी उनको लोन मिल जाता है। SDFC भी देती है ऐसा, IDBI देती है, अगर आप कुछ एंटरप्रेनर बनना चाह रहे हैं, कुछ साइड बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, तो IDBI आपको बहुत कम इंटरेस्ट पर भी लोन दे रही है, बट सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आप उसके एम्प्लॉयज़ हो। आई डोंट नो वो कैसे मैनेज करते हैं कि एम्प्लॉय अगर कुछ अपना बिजनेस कर रहा है तो, बट स्टिल जनरली वो अपने नाम पे ले लेते हैं, पर उनकी फैमिली रन बिजनेस की कैटेगरी में चला जाता है वो।
क्लब मेंबरशिप इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस आजकल हर कंपनी कराती है, दैट इज़ अगेन अ मैंडेटरी कि आपकी कंपनी में जितना स्टाफ है उसका इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा, कि अगर उसको कुछ सीढ़ियों से गिर गया, लग गई काम करते वक्त या घर जाते वक्त या ऐसे भी कुछ उसको कुछ हो जाता है तो कंपनी उस कंपनी से प्रोवाइड करा देती है उसकी फैमिली को फैसिलिटीज़, जो इंश्योरेंस का अमाउंट बनता है। देन उसके अलावा एक दिया हुआ है क्लब मेंबरशिप, ये जनरली जैसे हम इंदौर उज्जैन की बात करें तो यहाँ पर रोटरी क्लब है, इट्स क्वाइट फेमस, लॉयंस क्लब है, दैट इज़ अगेन अ फेमस, वैसे ही दिल्ली में जिम खाना क्लब बहुत फेमस है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो मेरे भी एक रिलेटिव हैं, उनकी डॉटर थी 5-6 साल की, तो वी वर जस्ट पासिंग, वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने ऐसा बोला कि इसकी क्लब की मेंबरशिप करवाई हुई है इसके लिए, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि ये तो 6-7 साल की बच्ची है, इसके लिए क्लब ज्वाइन करवा दिया इन्होंने, एंड इट्स वेरी अनसेफ ऑल्सो कि बच्ची अकेली जाएगी वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो जिम अभी तो इसका वेटिंग लिस्ट में नाम है, इसका शायद 15 साल बाद नंबर आएगा, वो भी सब्जेक्ट टू मैटर कि कोई डेथ हो गई या कोई ट्रांसफ़र हो गया, देश के बाहर चला गया, और उसमें जनरली MLAs और MPs के बच्चे ही हैं, मतलब वही मेंबर्स हैं, तो बहुत मुश्किल से उसमें नंबर आता है, और वो लमसम अमाउंट उन्होंने डोनेट करा है तब जाके उसका वेटिंग लिस्ट में नाम आया, तो शायद 15-20 साल बाद उसका नंबर आ पाएगा। तो अभी तो 10 साल ही हुए उस बात को, 7-8 साल, तो अभी तो और 15-10 साल होंगे। तो ये क्लब मेंबर्स, ये मेंबर क्लब्स क्या करते हैं कि ये कॉरपोरेट के लिए कुछ रेशो रिजर्व रख देते हैं, जिसको हम कोटा बोलते हैं, जैसे मैनेजमेंट कॉलेजेस में कोटा होता है ना कि अपने पहचान वालों को डोनेशन दे के आप करा देते हो, तो ये जो क्लब्स होते हैं ये कुछ 1-2 सीटें रखते हैं, जैसे कोई कलेक्टर आ गया, कमिश्नर आ गया, वो पीछे पड़ गया कि हमें तो 2 ही सीट हमारे बच्चे के लिए, तो फिर वो वहाँ प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस तरह के क्लब मेंबरशिप कंपनीज अपने लिए रिजर्व रखती हैं कोटा में। देन एटसेट्रा प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड दैम सोशल सिक्योरिटी एंड मोटिवेट दैम, मतलब एक तरह से जैसे इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, स्पेशल अलाउंसेस जो कंपनी प्रोवाइड कराती है, तो उससे अच्छे एम्प्लॉयज़ रिटेन करते हैं एंड दे फील सिक्योर ऑल्सो कि यार ठीक है हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली को इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा, तो कंपनी ने ये फैसिलिटीज़ हमारे लिए करा रखी हैं। अब आप इसमें नीचे देख रहे होंगे जो नीचे सर्कल बना हुआ है, डायरेक्ट कंपनसेशन दिया हुआ है, मेडिकल रिम्बर्समेंट दिया है, सोशल अलाउंस दिए हैं, बोनस दिया है, लिव ट्रेवल अलाउंस दिए हुए हैं। ये लिव ट्रेवल अलाउंस इंडिया में बहुत कम है, मतलब ये जनरली फॉरेन में ही होता है, हमारे यहाँ कंपनीज बहुत कम ऐसा होता है कि आपका आउट परफॉर्मेंस है तो आपकी फैमिली को ट्रिप दे देगी, हार्डली इट हैपन्स इन इंडिया, लेकिन ये जनरली फॉरेन कल्चर में है, इवन चाइना में भी है, चाइना में फोर्सफुली आपको ट्रेवल पे भेजा जाता है कि आपको आने जाने का खर्चा कंपनी देगी, छुट्टी दे देगी, लेकिन आपको वहाँ स्टे का और खाने पीने का खर्चा आपको करना रहेगा, जस्ट टू प्रमोट द टूरिज्म, है ना, कि वहाँ जैसे अभी आपने सुना होगा लास्ट ईयर ये कोविड के बाद में चाइना ने वहाँ कंपलसरी कर दिया था कंपनीज़ को कि 7 डेज का आपको ब्रेक देना है, मतलब उन्होंने एक पूरा वीक डिसाइड कर लिया था कि हर एम्प्लॉय को आपको छुट्टी देनी है जिससे वो फैमिली के साथ बाहर जा सके। तो जब वो जाएगा तो वहाँ होटल में रुकेगा तो होटल वालों की इनकम, ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, देन वो खाएगा पिएगा तो उस एरिए का खर्चा, तो उससे पैसे का रोटेशन होगा, मनी रोटेशन हमेशा इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा माना जाता है। तो कंपनी जस्ट टू प्रमोट टूरिज्म जिससे कि मार्केट में, अच्छा क्या नाम है कंपनी का, क्रेडिट स्विस, अच्छा गुड ओके। तो ये तो डायरेक्ट कंपनसेशन बताए थे, अब इनडायरेक्ट कंपनसेशन भी होते हैं। इसमें सबसे पहला है लिव पॉलिसी, इट इज़ द राइट ऑफ एम्प्लॉय टू गेट एडुकेट नंबर ऑफ लिव, जैसे CLML मिलती कंपनीज में, और ये सब पेड लिव्स होते हैं। पेड लिव्स मतलब होता है कि आप छुट्टी पर रहोगे तो उस पर सैलरी नहीं कटेगी, इट विच इज़ नॉट अनपेड, है ना, जैसे CLML दैट डजंट मीन कि लिव ले ली तो सैलरी नहीं मिलेगी, वो पेड लिव्स की कैटेगरी में आती है। तो कंपनी जनरली CL होती है, कैजुअल लीव्स होती हैं, मेडिकल लीव्स होती हैं, जैसा सिक लीव भी बोला जाता है, और मैटरनिटी लीव्स भी मिलती है, ये हमारे यहाँ भी बहुत कॉमन है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इवन प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल दिया जा रहा है।
और स्टैट्यूटरी पे वगैरह होता है, मतलब उस टाइम पर अगर कोई एम्प्लॉई एजुकेशन में जा रहा है तो उस वक्त भी उसको पे किया जाएगा, मैंडेटरी होता है ये भी। देन ओवरटाइम पॉलिसी, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जो अभी हमने पुरानी स्लाइड में ही देखा था कि जो अलाउंसेस होते हैं वो मिलते हैं, जैसे ट्रैवलिंग वगैरह का या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ओवरटाइम हो रहा है, रात को 10 बजे मान लो आप, जनरली आपकी शिफ्ट 6 बजे ओवर हो जाती है एंड फॉर अ रीज़न आपको रुकना पड़ रहा है ओवर टाइम में, तो आप 10 बजे तक रुके। अब 10 बजे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा इजीली, तो या तो कंपनी आपको कैब बुक करा के देगी, ओला या उबेर या फिर जुगनू वगैरह बुलवाएगी, पहले आप बुलवा लें उसको और उसका बिल आप लगा दें। तो ओवर टाइम में ये भी देखा जाता है कि कंपनी आपको इस तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। एक बार हम लोगों का भी अभी रिसेंट हुआ था, सयाजी में एक प्रोग्राम था, जो बिजनेस प्रमोटर्स होते हैं उनकी मीट थी, तो 10 बज गई थी। अब हम दो लोग थे उज्जैन जाने वाले, तो फिर हमें आदर्श सर ने, मतलब डायरेक्टर सर ने, चेयरमैन सर ने बोला था कि यू कॉल अ कैब और कॉलेज विल पे फॉर दैट, तो हम लोगों ने भी कराया था। तो जनरली अच्छी कंपनीज में आजकल ये सब चीज़ें होती हैं। देन हॉस्पिटलाइजेशन, ये मेडिकल का खर्चा आजकल सबसे ज़्यादा होता है, एजुकेशन के अलावा अगर खर्चा देखा जाए तो मेडिकल का, एक बार लगता है इंसान को तो लाख दो लाख रुपये लग जाते हैं, तो इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा अगर कंपनी उठा लेती ना तो एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाता है। जैसे आप लोगों के भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे कोई कैनेडा में, तो आपने सुना होगा वहाँ पर कंपनी इतना, जो गवर्नमेंट है वो इतना टैक्स लेती है कि आपकी सैलरी इतनी सी बचती है, आपकी सैलरी इतनी है लेकिन बचती इतनी सी है। तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बीच में आया था, राखी के वक्त आया था अगस्त में, तो उसने बताया कि सर इतना कमाता लेकिन बचता इतना सा। मैंने कहा हाउ कम दिस, तो वो बोला कि सर टैक्स बहुत ज़्यादा लेती है गवर्नमेंट। तो मैंने कहा तो फिर इतना सही बच रहा है, तो तुम व्हाई डोंट यू सेटल इन यूरोप चले जाओ, इंडिया आ जाओ। एक मिनट, इसको ना वो स्पीकर लेते हैं। तो वो ये बोला कि सर होता क्या है कि जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है ना, उससे हमें फूड, शेल्टर, क्लॉथ, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब गवर्नमेंट देती है। मतलब बोले हमें चिंता नहीं, अगर पॉकेट में पैसा नहीं है, हम बीमार हो गए तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा पूरा गवर्नमेंट उठाती है, खाने का कोई टेंशन नहीं है, एजुकेशन सॉर्ट ऑफ फ्री है वहाँ पर, तो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं कि बच्चों को मेडिकल में जाना है या बच्चे को इंजीनियर बनना है या MBA करना है। तो हाँ, स्कूल एजुकेशन फ्री दी जाती है। तो इसलिए कुछ कंपनीज भी अब ये फॉलो करने लगी हैं कि एम्प्लॉयज़ को हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा दे दो, तो उसका काफ़ी खर्चा उसमें मैनेज हो जाता है। देन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो रहता है वो भी हम जानते हैं, जैसे जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, कि एम्प्लॉय को अगर कंपनी में कुछ हो जाता है, नॉट ओनली इन कंपनी, अगर बाहर भी हो जाता है तो उसकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। अभी तक क्या होता था, मान लो कंपनी में काम करते वक्त एक एम्प्लॉय के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो कंपनी उसका पे करती थी। अब कंपनी को अपनी गले से पैसा निकाल के देना पड़ता था, अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के देना पड़ता था। अब क्या है, ये मेडिकल उसका इंश्योरेंस हो गया है, तो अगर इनकेस उसको कुछ होता है तो उसकी फैमिली को पैसा देना है, तो कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं आता है। जैसे जनरली लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, इसी तरह से कंपनी एक उसका इंश्योरेंस करा लेती है। लिव ट्रेवल, ये अभी हमने देखा था ऊपर, द एम्प्लॉयज आर प्रोवाइडेड विद लीव्स एंड ट्रेवल अलाउंसेस टू गो फॉर हॉलीडे विद देयर फैमिलीज, कि एक वो रिफ्रेश होके आ जाता है एक छुट्टियों के बाद में होता। हालांकि जनरली हमारे साथ तो ये होता है कि हम दो दिन के छुट्टी के बाद जब मंडे आते हैं ऑफिस में, कॉलेज में तो ज़्यादा थकान लगती है, ज़्यादा एनर्जी गायब रहती है, बट स्टिल ऐसा माना जाता है कि अगर एक थोड़ा सा आप उसको ब्रेक दे दो, एम्प्लॉय को एक आध वीक का सेमेस्टर ब्रेक दे दो या हॉलीडे ब्रेक दे दो, तो वो एक रिफ़्रेश होकर आएगा और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि ऐसा होता भी है कि ब्रेक के बाद मतलब वापस से स्पीड ऑन होने में टाइम लगता है, स्पीड अप होने में, उसके बाद एम्प्लॉय अच्छा काम करता है। हाँ, तो वो 10 दिन का चाहिए तो काम ही भूल जाते कि काम क्या करते हैं। तो ये ट्रेवल अलाउंस होता है। देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अब ये तो टॉपिक बहुत चर्चा का है, क्योंकि अभी आप लोगों को भी पता होगा कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, फिर वो बंद कर दी,
फिर जैसे जैसे कुछ पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट आई देश में, तो उन्होंने वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे चुनाव लड़ा और वो जीत गए, तो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम वापस ला दी है। जैसे आप छत्तीसगढ़ में हैं, राजस्थान में, पंजाब में रिसेंटली हुआ है, महाराष्ट्र में हो चुका था, तो और अभी MP में भी एक पॉलिटिकल पार्टी का यही प्रॉमिस है कि ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर देंगे। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं एक एम्प्लॉय को, वो बहुत मोटिवेट करना है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आज गवर्नमेंट जॉब लोग क्यों पसंद करते हैं या अभी तक पहले क्यों पसंद करते थे, एक तो सेफ और सिक्योर है वो तो यही, लेकिन पेंशन है ना, आपको टेंशन नहीं रहता कि पेंशन का टेंशन नहीं रहता है कि आफ्टर 60 आपको बैठे बैठे अमाउंट मिलेगा। इवन कुछ प्राइवेट जो सोसाइटी रन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल कॉलेजेस होते हैं, जैसे ये वैष्णव है या एक और है वो चौहित्राम है, तो वहाँ ये ऑल दीज आर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये भी पेंशन देते हैं। उज्जैन में कालिदास ग्रुप है, वो भी अपने स्टाफ को पेंशन देता है, हालांकि वो बहुत मिनिमम अमाउंट होता है, 2-4 हज़ार होता है, बट स्टिल दे पे कि एक पेंशन टाइप का अमाउंट वो देते हैं, जिससे एक एम्प्लॉय को थोड़ा सा सिक्योर रहता है कि ठीक है कम से कम रिटायरमेंट के बाद टेंशन नहीं रहता है। देन हॉलीडे होम्स प्रोवाइड फॉर हॉलीडे होम्स, जैसे कंपनीज के अलग अलग लोकेशंस पर, और जनरली ये ऐसी जगह होती है जहाँ लोग जनरली हॉलीडेज बनाने जाते हैं, जैसे मनाली हो गया, शिमला हो गया, हिल स्टेशंस वगैरह हो गए, बॉम्बे हुआ, कि लोग वहाँ भी घूमने जाते हैं, ये लोग बॉम्बे आई डोंट नो क्या देखने जाते हैं, लेकिन लोग दिल्ली बॉम्बे भी घूमने जाते हैं। हाँ मतलब ठीक है, हिल स्टेट पर अपनी अपनी चॉइस रहती है, किसी को वो अच्छा लगता है, सी बीचेस वगैरह हैं तो समुद्र हैं, जैसे शांति वाली जगह से हैं तो वो वहाँ जाकर फिर वो अपने घर को ही मिस करते हैं कि यार वो ज़्यादा अच्छा था, इससे तो वहाँ शांति थी। तो इस तरह से भी हॉलीडे होम्स होते हैं कंपनी के, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं वो गेस्ट हाउस होते हैं, रेस्ट हाउसेस भी बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर जाके एम्प्लॉई स्टे कर सकता है। इवन ये से स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, जैसे PWD के गेस्ट हाउस बहुत फेमस है, सर्किट हाउस है, आप उज्जैन जाते हो तो इस तरह के हाउसेस बने रहते हैं कंपनी के, कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ वहाँ जाके स्टे, हाँ टाटा के भी और बहुत अच्छे हैं। वही बुक करा लेते हैं। देन एंड लास्ट दैट इज फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स टू द एम्प्लॉयज हु कैन नॉट कम टू वर्क ड्यूरिंग नॉर्मल शिफ्ट ड्यू टू द पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड वैलिड रीजंस। बहुत सी बार होता है कंपनी में कि जैसे फीमेल्स हैं खासतौर से, कि बेबी छोटा है, उसके स्कूल टाइमिंग्स वैसे हैं कि वो एम्प्लॉई पर्टिकुलर उसी टाइम पर ऑफिस में रह सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी उसके साथ फ्लेक्सिबल होती है कि ठीक है बाकी लोगों को 9 बजे बुलाया जा रहा है, बस यू आर हैविंग अ बेबी, तो आपका बच्चा 10 बजे जा रहा है तो आप 10:30 बजे तक आ जाओ, उधर कंपनसेट कर लेते हैं, उधर टाइम ज़्यादा दे देते हैं, पर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रहते हैं कंपनी में। इवन नॉट ओनली विद अ फीमेल, अगर मेल्स के साथ भी टाइमिंग्स को लेके कुछ इशू हैं तो कंपनी उस चीज़ को भी मैनेज करती है। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फैक्टर्स कंसिडर्ड इन डिसाइडिंग द कंपनसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली एग्जाम में आता है।